मैच फिक्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो काफ़ी इंडियन क्रिकेट में उलझा हुआ था, लेकिन अब जैसे कि बीसीसीआई ने काफ़ी मेहनत ली है, एंटी करप्शन यूनिट किया है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद से कम हो गया है। जैसे पहले खुलेआम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। मैच फिक्सिंग के बाद वो स्पॉट फिक्सिंग आ गया, उसके ऊपर भी काफ़ी प्लेयर लोगों को पकड़ा गया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बहुत कम हो गया है। जैसे कि मैंने कहा कि बीसीसीआई ने काफ़ी स्टेप्स ली है, और मुझे लगता है कि उस स्टेप से ये मैं तो कहूँगा कि 90% ये कम हो गया है। यस, कभी ना कहीं अपन को ऐसे एक आध परसेंट आते हैं, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट पुणे के मैच में जो क्यूरेटर के ऊपर आए थे कि उसने कोई अनजान व्यक्ति को लेके उनको इन्फॉर्मेशन देना, ये चीज़ें जैसे होती है, मुझे लगता है कि इसको कब करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं किसके कोई ऊपर, और जब ट्रस्ट करते हो तो अगर वो आदमी ही अगर गलत काम करे तो फिर देन मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद से ये मैच फिक्सिंग कम हुआ है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी ऐसे कोई घटना नहीं आए जो कि हमें पता चले कि मैच फिक्सिंग हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैच फिक्सिंग काफ़ी हद से कम हो गया है, और ये घोष तो रहेगा ही क्रिकेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री से कब कोई एक मसाल निकल आए कि ये एक मैच फिक्सिंग के ऊपर कोई चर्चा करे। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त मुझे लगता है कि मैच फिक्सिंग बहुत बहुत कंट्रोल में है।